नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लेड का थर्ड इशू। तो यार, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लेड के कारण अडाना आजाद हो गई है और अब पूरी दुनिया खतरे में है। इसलिए ब्लेड रोता की मदद लेके ट्यूलिप तक पहुंचता है, जो उसे अडाना को मारने का वेपन दे सकती है। लेकिन फिर वहां लॉर्ड डेडो अटैक करके ट्यूलिप को किडनैप करता है। तो अब आगे, ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रोमिनो देखते हैं, जहां पर एक औरत हुड पहनी हुई कार से आती है। तभी उस कार का ड्राइवर कार रोकता है और बाहर आता है और उस औरत के लिए डोर खोलता है और कहता है, माय गुडनेस, हम आ गए हैं। ये सुनते ही वो औरत उस ड्राइवर से कहती है कि हाँ, हम आ गए हैं और जल्दी वो लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं उनका डर महसूस कर सकती हूँ। तभी वो ड्राइवर कार लेके वहां से चला जाता है। तभी वो औरत वहीं पर खड़ी रहती है और किसी से कहती है कि तुम्हारे छलावा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब ये मैजिक जानते हैं। ये कहते ही वो औरत देखती है कि उसके आसपास कुछ और लेडीज आ चुकी थी। तभी उन औरतों को देखकर ये औरत तुरंत कहती है कि तुम्हारा स्वागत है राइटियस, क्योंकि तुम इविल से लड़ने आई हो। ये कहते ही वो औरत अपना हुड निकालती है और यहाँ ये रिवील होता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि अडाना है। तभी वहां आई हुई लेडीज में से एक लेडी एडाना से कहती है कि तुम एबोमिनेशन हो और हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अब हमें जल्दी सॉर्सरर सुप्रीम को यह खबर करनी होगी, हमें एडाना मिल चुकी है। यह कहते ही वे सारे लेडीज एडाना पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी एडाना अपना हाथ बाहर निकालती है और स्नैप करती है, जिसके कारण उन लेडीज की पावर खत्म हो जाती है। तब ये देखकर एडाना उन लेडीज से कहती है कि मुझे लगा था कि खुद सॉर्सरर सुप्रीम यहां आएगा, लेकिन उसने तुम लोगों को यहाँ भेज दिया, व्हाट अ शेम। तभी एडाना उन औरतों को देखती है और कहती है कि तुम लोग देखना चाहते थे ना कि मैं क्या करूंगी, तो अब देख लो। ये कहते ही उन सारी औरतों की आंखों में से आग निकलने लगती है और फिर उनके शरीर में दर्द होने लगता है। तभी एडाना उन औरतों से कहती है कि ये दुनिया कभी मर्दों की नहीं थी और जल्दी मैं ये सारी डार्कनेस को मेरे अंदर लाऊंगी और फिर हम वो पा लेंगे जो हमारा है, तो अब तुम जलोगे। यह कहते ही वो सारी औरतें जलकर राख बन जाती है और एडाना वहां से चली जाती है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम जापान में ब्लेड को देखते हैं, जो लॉर्ड डेडो के कंट्रोल में आ चुका था। तभी लॉर्ड डेडो कहता है कि डेवॉकर, तुम अब मेरे खिलौने हो। लेकिन तभी लॉर्ड डेडो महसूस करता है कि ब्लेड उसको रेजिस्ट कर रहा था। ये देखकर लॉर्ड डेडो कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी ब्लेड लॉर्ड डेडो के कंट्रोल से बाहर आता है और अपना चाकू निकालता है और लॉर्ड डेडो की जीप में घुसा देता है, जिसके कारण ब्लेड आजाद होता है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि ब्लेड के चाकू मारने के कारण लॉर्ड डेडो को कुछ होता है और अगले पल उसका सर फट जाता है। उसके बाद हम ब्लेड, ट्यूलिप और रोता को देखते हैं, जो किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि मुझे उसे मारने के लिए ये चाहिए, जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि तुम्हें इविल को मारने के लिए वेपन चाहिए, जिस पर ब्लेड हाँ कहता है। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम डैडो को मार डालोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर ब्लेड और रोता हाँ कहते हैं। तभी ट्यूलिप ब्लेड और रोता से कहती है कि चलो मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। तभी ट्यूलिप कहती है कि एंजल सच में होते हैं और उनमें से एक एंजल लूसिफर था। वो पहले बुरा नहीं था, उसे तो खुद गॉड ने अपने वॉरियर के तौर पर बनाया था। उसके बाद गॉड ने अच्छाई और बुराई बनाई और उसके लिए उसे चुना गया था ताकि वो बुराई को मिटा सके। लेकिन फिर लूसिफर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन उससे पहले बुराई को खत्म करने के लिए गॉड ने उसे एक तलवार दी थी, जो कोई आम तलवार नहीं थी। ये तलवार उस मैटर से बनाई गई थी जिससे ये दुनिया बनी है और उस तलवार का नाम है लाइट ब्रिंगर। ये सुनते ही ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैं अब डेविल के पास जाकर तलवार लेकर आऊं, तब तो ये मेरे लिए आसान है। जिस पर ट्यूलिप कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। वो तलवार डेविल के पास नहीं है,
बल्कि वो तो अखिलेश हैमिल्टन के पास है, जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से पूछता है कि अब ये कौन है। जिस पर ट्यूलिप कहती है कि अखिलेश वो बंदा है जिसके पास ये तलवार है और इस बंदे को शौक है ऐसी चीजें जमा करने का। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि अगर अखिलेश के पास ये लाइट ब्रिंगर है तो मेरे पास एक प्लान है, मैं वहां जाऊंगा जहां ये अखिलेश रहता है, कुछ गार्ड्स होंगे उन्हें खत्म कर दूंगा और फिर अंदर घुस के ये तलवार लेकर आऊंगा। जिस पर ट्यूलिप कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, अखिलेश ट्रेन पर रहता है और वो हमेशा चलती रहती है, वो भी 150 मीटर पर आर पे, और वो कभी भी किसी भी देश में कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहता है, अब तो उसे किसी ने देखा तक नहीं है। जिस पर रोता ट्यूलिप से पूछती है कि क्या हम अब ट्रेन पर हमला करेंगे, वो भी उस वेपन और उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन तभी ब्लेड रोता को रोकता है और ट्यूलिप से कहता है कि हमें उस ट्रेन का लोकेशन चाहिए और इस ट्रेन के बारे में इंटेल भी। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि मैं जो जानती थी वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। जिस पर ब्लेड कहता है कि ये तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हल्की मदद चाहिए। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि सॉरी मेरे पास हल का नंबर नहीं है। तभी आगे ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि देखो मैं बिजनेस वूमेन हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स है जो अपनी चीजें बेचते हैं, मैं तो बस वो चीजें खरीदती हूँ, मैं कोई सुसाइड मिशन करने वाली नहीं हूँ। जिस पर रोता ट्यूलिप से कहती है कि अगर एडन अपने इरादों में सफल हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर ट्यूलिप रोता से कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग मिलकर एक एक जाम लगाएंगे। लेकिन तभी ब्लेड को कुछ सेंस होने लगता है और तब वो सबसे कहता है कि जल्दी नीचे झुक जाओ। ये कहते ब्लेड ट्यूलिप और रोता को नीचे झुकाता है और ब्लेड उनके ऊपर टेबल रखता है जिसके कारण वे तीनों भी तीर लगने से बच जाते हैं। तभी ये देखकर रोता ब्लेड से कहती है कि ये लोग यहाँ आ चुके हैं। जिस पर ब्लेड रोता से पूछता है कि कौन आ गए। जिस पर रोता ब्लेड से कहती है कि ये लोग मेरे भाई और बहन है। ये कहते ही हम वहाँ बहुत सारे लोगों को तीर कमान लेकर आए हुए देखते हैं और तब उनमें से एक ब्लेड पर तीर मारता है जिसके कारण ब्लेड को जोरदार झटका लगता है। लेकिन तभी ब्लेड अपनी तलवार उठाता है और उस तीर को ही हटा देता है। यहाँ ट्यूलिप रोता से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे लोगों को मार डालूं तो चलेगा। जिस पर रोता हाँ कहती है। ये सुनते ही ट्यूलिप उनमें से एक के सर पे शूट करती है। यहाँ ब्लेड खड़ा हो जाता है और उन सबसे कहता है कि मैं यहाँ लड़ने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन तभी वे सारे लोग मिलके ब्लेड पर तीर मारते हैं। लेकिन तभी ब्लेड देखता है कि वो तीर अचानक से बीच में रुक गए थे और फिर ब्लेड महसूस करता है कि कोई उसे खींचकर बाहर ला रहा है और तब ब्लेड बाहर आता है और देखता है कि वे सारे लोग गायब हो चुके हैं। तभी ब्लेड ढूंढने लगता है कि किसने किया। लेकिन तभी ब्लेड के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और ब्लेड से कहता है, ब्लेड मैंने सुना था कि तुमने एक मुसीबत को आजाद किया है, मैं तुमसे इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ पर मैं नाराज जरूर हूँ। एंड दैट्स इट, ये इश्यू यही कंटिन्यू होता है।